पिलाएगा पिया, अपने हाथों से पानी पिलाएगा पिया और मुझे अपने गले तू लगाएगा पिया। नमस्कार, सुस्वागत, वेलकम अभिनंदन। हां जी, करवा चौथ पार्ट 3, बहुत बहुत स्वागत हो करवा चौथ के इस पावन त्योहार की। जीवन में सुख समृद्धि मिले, अखंड सौभाग्यवती रहे आप और आपकी मेहंदी खूब रचे। अपनी अपनी मेहंदी की फोटोज भेजना, मुझसे शेयर जरूर करना। मैं तो आपको लाइव आकर 5:30 बजे करवा चौथ वाले दिन अपनी मेहंदी दिखा ही दूंगी। जी हाँ, आप और मैं मिलेंगे 4 बजे, कथा करती हूँ 5:30 बजे लाइव अपने इसी ऑफिस से। अच्छा चलिए, आपको पूरा देखना होगा मैंने क्या पहना हुआ है। तो उस दिन तो मस्ती वाला है ना, उस दिन कोई एस्ट्रोलॉजी, उस दिन हम सहेलियां मिलेंगी, बातें करेंगे, गप्पे मारेंगे, तुम कैसी लग रही हो, तुम कैसी लग रही हो, अपनी मेहंदी एक दूसरे को दिखाएंगे। आई होप रच जाए, कभी तो मेहंदी रच जाती और कभी बिल्कुल नहीं रचती। नियम पता है ना, कुछ खाकर मेहंदी लगानी है। अब एक महिला ने कि इतने व्हाट्सएप आ गए, राखी जी मेरी सास कह रही है कि तुम पिछले साल प्रेग्नेंट थी और हमने तुमसे व्रत नहीं रखवाया, अब तुम व्रत नहीं रख सकती। अब ये नियम है, एक व्रत छोड़ दिया तो छोड़ दिया। आंटी जी, आपके घर के रूल्स का तो मुझे नहीं पता, पर ऐसा नहीं होता। उस लड़की का मन है अपने घर के लिए व्रत रखना और मैं आपके सामने बैठी हूँ। मैंने जब देव मेरे पेट में था तो मैं नवंबर में देव पैदा हुआ था और अक्टूबर में ये आता है, मेरा 8वां महीना चल रहा था और मैंने अपना व्रत छोड़ा था क्योंकि मेरे बच्चे को भूखे रखने का अधिकार मुझे कतई नहीं था। वो लड़की भी हो सकती थी और लड़का भी हो सकता था, मुझे नहीं पता था। तो मैंने व्रत छोड़ा था और अपने बड़े बुजुर्ग किसी से सलाह नहीं ली थी। ये हम पति पत्नी का फैसला था कि बच्चे को भूखा नहीं रखना। 8.5 महीने बहुत होते हैं क्योंकि देखिए अक्टूबर में तो था ही और नवंबर में देव पैदा हो गया था। तो मैंने उसके बाद आज तक इस व्रत को कंटिन्यू करा है, चाहे मेरी तबीयत खराब हो चाहे कुछ भी हो, क्योंकि मेरी तबीयत कभी टचवुड करवा चौथ पर या किसी व्रत में खराब नहीं होती क्योंकि मैं भगवान के भाव रखती हूँ और ईश्वर शक्ति देता है। हमारी तो औकात ही क्या है, कुछ भी नहीं, कोई बिसात नहीं हमारी, प्रभु करने वाला है, करता है तू मेरे प्रभु, मेरा नाम हो रहा है, तेरे ही आश्रय मेरा सारा काम हो रहा है। तो अगर बच्ची का मन है तो उसे व्रत रखने दीजिए, ऐसा कुछ नहीं होता कि करवा चौथ का व्रत अगर आपने एक बार छोड़ दिया तो आप उस व्रत को फिर कभी नहीं रख सकते। जहां तक मेरे को समझ है ऐसा नहीं होता। आगे बेटा मेरी सुनना, कान से निकाल देना, करना वही जो मम्मी कह रही है। तो गर्भवती महिलाएं अपने व्रत में खासा ध्यान रखें, 3-4 बार खा लें, व्रत रखना है रखें, फलहार पे रख लें। पहली बात मैं आपको बताऊंगी, जो जिस बच्चे को इस दुनिया में लेकर आ रहे हो उसके प्रति तुम्हारी जिम्मेदारी सबसे पहले है, तो व्रत को छोड़ दो। लेकिन मेरे कहने से नहीं भैया, सास ने मेरा कत्ल कर देंगी कि ये तो बिल्कुल ही उल्टी बातें बताती है। मैं तो आंटी हमेशा एक ही बात कहती हूँ, प्लीज बुरा नहीं मानेगा, आप ही सर्वो सर्वा हो। मैं तो कहती हूँ आप भी मुझे कुछ बताना चाहते हो तो बता दो, इवन आई फॉलो दैट रूल्स, क्योंकि आप बुरा तो कभी चाह ही नहीं सकते क्योंकि आप दुनिया में हमसे पहले आए हो, तो आप कभी गलत नहीं हो सकते, हम ही गलत होंगे, हम छोटे हैं, हम ही झुक जाएंगे। तो भाई पहली बात तो कि गर्भवती महिला व्रत ही ना रखें, पहला रूल। दूसरे डॉक्टर की सलाह ले लें क्योंकि इससे आपकी तबीयत खराब हो सकती है और आपके बच्चे को भी प्रॉब्लम हो सकती है। और व्रत छोड़ना है, कुछ करना है, सासू मां से पूछ कर करें, डॉक्टर वैराकी से बिल्कुल ना पूछे। और अपने घर में करवा चौथ वाले दिन सुगंधित अगरबत्तियां खूब लगाएं, अपने बेडरूम में अपने आप को तोहफे के रूप में मोर पंख दें और अपने बेडरूम में अपने हस्बैंड से कहें कि आपको बहुत सारे, इतने सारे मोर पंख लाकर दे दें और अपने बेडरूम में बहुत सारे मोर पंख रखें। इससे होगा क्या, मोर पंख रखने से आप दोनों का झगड़ा खत्म होगा, नजदीकियां बढ़ेंगी और किसी भी तरह का वास्तु दोष वो खत्म होगा। अगर आपने अपने बेडरूम में किसी भी गुरु की तस्वीर लगा रखी है, कोई भी ऐसे पितर की तस्वीर लगा रखी है जो इस दुनिया में नहीं है, उसे छोड़कर जा चुके हैं, तो इसी करवा चौथ उसे हटा दीजिए। ये करवा चौथ पर ही नहीं हटाना है, ये एक्चुअली एक वास्तु दोष है। बेडरूम में केवल पति पत्नी के स्पेशल जो है फोटोग्राफ्स हो सकती हैं, टीवी हो सकता है, बेडरूम में शीशा हो सकता है, टीवी या शीशा रात को ढक देना चाहिए। बेडरूम में आपके हनीमून की तस्वीरें हो, आपके बच्चों की तस्वीरें हो या शादी से पहले की आपकी तस्वीरें हो, लेकिन इसके सिवा राधा कृष्ण की तस्वीर हो सकती है या राधा कृष्ण की फोटो हो सकती है, इसके सिवा बेडरूम में किसी और की तस्वीर नहीं होनी चाहिए क्योंकि फिर वो वास्तु दोष है। 4 बजे कथा सुनकर किसी से सुने कथा, हमारे यहाँ तो पार्क में होती है और मैं ही कथा सुनाती हूँ सबको हर बार। कथा सुनकर आप पानी पी लीजिए, अगर आपकी सासू माँ ने आपको ये परमिशन दी है। कई लोग चाय पी लेते हैं, कई लोग पानी पी लेते हैं। हाँ हाँ मुझे पता है, आप कहेंगे आप क्या करती हो जी, ना तो मैं चाय पीती हूँ ना मैं पानी पीती हूँ, मैं उस चंद्रमा का इंतजार करती हूँ। मुझे ये लगता है कि जब तक रखा जा सकता है रखो, और जब नहीं रखा जाएगा, जब छोड़ देंगे, आप में से किसने कहा राखी जी प्लीज अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए, तो भाई नोट कर लीजिए। आप जानना चाहते हैं मैं कितने साल की हूँ, तो मैं तो आपसे ये कहती हूँ कि आप जितने भी साल के हो उसमें 5 साल और जोड़कर बताओ। ये पुराने जमाने की औरतों जैसे अपनी उम्र को कभी मत छुपाओ कि नहीं मैं तो 25 की हूँ, नहीं तो मैं 26 की हूँ। आप अपनी उम्र को बताओ मैं तो 50 साल की हूँ, ताकि सामने वाला कहे 50 लगती तो नहीं हो, कॉम्प्लीमेंट तो वही चाहिए ना आपको,
घुमाकर रिवर्स मैनेजमेंट से कॉम्प्लीमेंट लीजिए, सीधे तरीके से मत लीजिए। लेकिन फिलहाल जो मैं आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ बता रही हूँ बिल्कुल सही बता रही हूँ, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 30 मई 1979। जी हाँ, मैं 30 तारीख को पांचवें महीने में 1979 में पैदा हुई थी। और मेरी मम्मी से मेरी इस बात को लेकर बहुत लड़ाई होती है, क्योंकि मैं मम्मा से कहती हूँ 79 में पैदा करने की जगह मुझे 80 में पैदा नहीं कर सकती थी, तो मैं 70s वाली नहीं होती, 80s वाली होती। मजाक कर रही हूँ, काश ये किसी के हाथ में होता। बट आई एम वेरी हैप्पी विद माई डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि मैं 3 नंबर हूँ और 3 नंबर गुरु का नंबर होता है, और मैं काम भी वही कर रही हूँ, सो आई एम वेरी हैप्पी। अच्छा, सेल्फी खिंचवाएं 4 बजे व्रत के बाद, जब कथा आपकी हो जाए, एक दूसरे के पड़ोसियों के साथ, सहेलियों के साथ, अपनी बहनों को, बड़ों के पैर छुए, जेठानियों के पैर छुए, आस पड़ोसियों के पैर छुए, उन्हें बोले आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट दीजिए, अपने अपने में मत लगे रहिए, दूसरे से चिड़िए मत, जलस मत कीजिए, इतना अच्छा व्रत रखकर उसने ऐसा पहना, उसने ऐसा पहना, उसके कपड़े मुझसे मिले, ये सब मत कीजिए। जमकर कॉम्प्लीमेंट दीजिए, अरे तू कितनी अच्छी लग रही, तेरी आंखें कितनी अच्छी, तेरा मेकअप कितना अच्छा, गिव अ कॉम्प्लीमेंट्स, क्योंकि वही रिटर्न में शाम तक आपके पास लौट कर वापस आएंगे। बहुत अच्छा लगेगा, जो देंगे वही मिलेगा। सोच को पॉजिटिव रखिए, खुश रहिए, घर में लड़ाई का माहौल मत कीजिए। अपने आप को बिजी रखने के लिए व्हाट्सअप कर लीजिए, टिकटॉक देख लीजिए, टिकटॉक पे भी तमाम तरह के ज्योतिष मैं देखती हूँ। लेकिन आप लोगों से, मेरे चैनल के सब्सक्राइबर से मैं एक बात कहना चाहूंगी, प्लीज 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 डोंट फॉलो एनी काइंड ऑफ रेमेडीज इन टिकटॉक, बहुत गलत रेमेडीज होती है उसमें। मैं हैरान हूँ, लेकिन मैं किसी को भी डिमोटिवेट नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन उसमें बहुत गलत रेमेडीज लोग बताते हैं, बहुत गलत, इससे आपका बहुत बुरा हो सकता है। और अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आप मुझे ही फॉलो कीजिए, और उसके बाद अगर आप किसी और को फॉलो कर रहे हैं तो मुझे फॉलो मत कीजिए। क्योंकि पता क्या होता है, आप एक एस्ट्रोलॉजर की ये बात करेंगे, दूसरे एस्ट्रोलॉजर की ये बात करेंगे, कोई राहु को देखकर मानता है, कोई चंद्रमा को देख के मानता है, कोई किसी तरह से बताता है, कोई किसी तरह से बताता है, आप सब करोगे तो वो रायता फैल जाएगा, खिचड़ी बन जाएगी, और कुछ भी अच्छा नहीं होगा। सो प्लीज टेक केयर योर सेल्फ, ऐसा कोई काम ना करें जो आपके लिए बहुत मुसीबत बन जाए। और करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं, खूब अच्छे से करवा चौथ करें, आपकी जिंदगी में राइट सब कुछ होता जाए। आपके पति देवों को भी बोलिएगा मेरी तरफ से कि माँ ने, बहन ने, भाभी ने, दीदी ने, कुछ भी बोल दीजिए मुझे जो आपको अच्छा लगता है, आंटी भी बोलेंगे तो चलेगा, कोई बात नहीं। तो मैंने करवा चौथ विश दी है, और खूब सारा आपके पति देव को, आपको, आपके परिवार को आशीर्वाद दिया है, ताकि आप दोनों हमेशा खुश रहें, आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर रहें। अगर आपके पति बीमार हैं और करवा चौथ में क्या करें ऐसा कि जिससे आपके पति सही हो जाएं, तो अपने पति के लिए कार्तिक के इस पावन महीने में महामृत्युंजय की पूजा करवाएं। अगर आपके पति के लिए आप कुछ करवाना चाहती हैं तो इस करवा चौथ पर उनकी नजर उतारें। अगर आपके पति बीमार हैं या आपसे दूर है, कहीं और है, तो उनकी तस्वीर देखकर, उन्हें वीडियो कॉलिंग कर, उनसे चैटिंग कर, बस खुशी से त्योहार मनाइए। आपकी वाइफ उन तक जाएंगी, वो पास हो या दूर हो, खुशी से मनाइए।